यहाँ समाज में दिव्यांगता को कमजोरी समझा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के गांव खोपा में एक दिव्यांग माँ ने दिव्यांगता और गरीबी से लड़ते हुए एक शिक्षक बनी और अपने बच्चों और गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। दरअसल शासकीय माध्यमिक स्कूल में यशोदा जो गांव के बच्चों को पिछले 27 सालों से शिक्षा दे रही हैं, वही यशोदी खोपा जैसे छोटे से गांव में कई किलोमीटर दूर बचपन में अपनी माँ के कंधे पर बैठकर उनकी मदद से पढ़ाई को पूरा कर रही थी, जिसके बाद वो शिक्षिका बनी, जिनका कहना है कि अगर मन में कुछ ठान लिया जाए तो उसे जरूर पूरा किया जा सकता है। शुरू से ही पढ़ाई मेरी मम्मी, और मिडिल स्कूल भी मैं यही खोपा स्कूल से ही पढ़ी सर। इसके बाद में सलका इगना में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए मैं चली गई 9th क्लास में, और वहाँ मैं 12वीं तक पढ़ी सर। फिर मैट्रिक मैट्रिक परीक्षा में पास की सर, उसी में टीचरशिप के लिए फॉर्म भरी थी। फिर मेरा टीचरशिप में हो गया सर, सीधी भर्ती हुआ। इसके बाद में मैं आ गई अपना यहाँ सहायक शिक्षिका के पद पर, प्राथमिक शाला खोपा में नियुक्त तो हो गई, और तब से पढ़ा रही हूँ सर। आज 2010 से अभी सर मैं प्रधान पाठिका के पद पर पदस्थ हूँ जी सर। दिव्यांगता मेरे को आड़े नहीं आई सर, मैं चल लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ सर। अपने परिवार की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी ऊपर है सर। सबकी देखभाल, भाई बहन, अपने घर का सबका देखभाल करती हूँ सर। हमारी मम्मी दिव्यांग है, फिर भी हम लोग को कभी महसूस नहीं होता है कि हमारी मम्मी दिव्यांग है, और बचपन से ही हमारी मम्मी दिव्यांग है, बट हमें कभी भी नहीं लगा कि हमारी मम्मी दिव्यांग है। आम औरतों की तरह ही लगती है हम पर, और हमारा पालन पोषण किए, हम लोग को बड़े किए, पढ़ाई लिखाई सब किए, फिर उसके बाद हमारा शादी भी किए, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरी एक सिस्टर है, उसका नाम है मंजू राजवाड़े है, और वो बाहर में पढ़ाई कर रही है, बट मैं अपनी मम्मी का ही सेवा करती हूँ और अपने मम्मी के साथ ही रहती हूँ। मैं यशोदी मैम को काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ। वैसे मैं यहाँ तो 2016 से ही पदस्थ हूँ, लेकिन इससे पहले भी उनसे कनेक्ट रहा, उनसे मतलब जान परिचय पहले से ही है। और क्योंकि मैं बगल गांव का ही हूँ तो उनके बारे में, घरेलू बारे में ही जानता हूँ। ये दिव्यांग जरूर हैं लेकिन काफ़ी मेहनतशील हैं, और मेरे को लगता है खोपा गाँव में कोई महिला शायद अब तक शायद इनके बरोबर एजुकेशन क्वालिटी क्वालिफिकेशन हो किसी के पास, क्योंकि ये एमए है। इसके बाद स्कूल भी ये बहुत बिल्कुल एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को जो होने चाहिए वो दायित्व तो पूरा ही भाती है। बिल्कुल समय से स्कूल आती हैं, समय पर जाती हैं, और हमें भी अच्छा लगता है उन्हें उनसे हमें सीखना होता है, हम भी सीखते हैं उनसे। इतना जब वो दिव्यांग होकर इतना अच्छे से करते हैं तो हमें भी उनसे सीख के हमें मतलब आंतरिक ऊर्जा हमें मिलती है उनसे। बच्चे भी बहुत अच्छे से उन उन्हें लाइक करते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं उनके साथ में, बहुत अच्छा पढ़ाती भी।